बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 3, और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पावर के बारे में। लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पावर, क्लियर है? तो पावर क्या होता है? आपके पास कितना पावर है, मतलब आप कितना काम कर सकते हैं किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, कितने समय में आप कितना काम कर रहे हैं, वही आपका क्या बताने वाला है, पावर, क्लियर है? तो पावर को कैसे डिफाइन किया? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना काम कितने समय में कर पा रहे हैं, वही आपका क्या बताने वाला है, पावर। अब हम लोग पहले ही बता रखे हैं, पावर को हम लोग पी से दिखाएंगे। तो पावर जो होगा, रेट के बारे में हम बहुत पहले बता रखे हैं कि जब भी वर्ड हमें रेट आएगा तो हमें क्या करना है, उस क्वांटिटी को टाइम के साथ क्या करा देना है, वेरी करा देना है, यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या ले लेना है, टाइम ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, टाइम, और क्वांटिटी कौन सा, कैसा क्वांटिटी है जो टाइम के साथ यहाँ चेंज होगा, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपन टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, वर्क अपन टाइम। तो पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपन टाइम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, सेम, दोनों पॉइंट यूनिट भी क्या था, सेम था। अभी जस्ट हम लोग किए थे ना कि अगर वर्क डन हमारा मोशन की वजह से हो रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, और हाइट की वजह से हो रहा होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, पोजीशन की वजह से भी होगा तो किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। यानी कि वर्क को हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, और थोड़ा ब्रीफ में जाए तो हम लोग पावर को क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे में क्या है, टाइम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एस अपन टी। अगर एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके लिखना चाहें तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो हाफ एम वी स्क्वायर अपन टी, और पोटेंशियल एनर्जी हो तो एम जी एच अपन टी। तो ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, पावर के, क्लियर है? तो पावर का एक्सप्रेशन हम लोग इन सारे फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। याद तो हमें क्या रखना है, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट यानी कि टाइम के साथ वो क्वांटिटी क्या होगा, चेंज, और क्या चेंज हो रहा है, वर्क, क्लियर है? और ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, क्लियर है? आगे होगा समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे यूनिट के बारे में। तो ऐसा यूनिट जो होता है पावर का वो क्या होता है, तो ऐसा यूनिट होता है वाट, क्या होता है, वाट। तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, या वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। यानी जो वाट होता है वो क्या होता है, जूल पर सेकेंड। वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, वन वाट को डिफाइन करेंगे। तो वन वाट को अगर डिफाइन करना होगा तो वाट को अगर वन रखना है तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या ले लेंगे, वन वन ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वन वाट को अगर डिफाइन करना है तो वन जूल और वन सेकेंड, क्लियर है? आया कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखेंगे व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड, अगर एक जूल काम कर रहे हैं एक सेकेंड में तो उस काम को करने में जो पावर लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, वन वाट। इफ वन जूल ऑफ वर्क, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड देन पावर रिक्वायर्ड इज वन वाट, क्लियर है? सिंपल सा डेफिनेशन, या एक जूल पर सेकेंड को करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वन वाट। ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते आ रहे हैं अभी तक उसी लैंग्वेज को यहाँ भी यूज करेंगे कि एक जूल का काम हो रहा है एक सेकेंड में, तो जो पावर वहाँ पे जनरेट होगा या पावर वहाँ पे जो लगेगा वो कितना होगा, वन वाट, क्लियर है? आया समझ में? तो वाट क्या होता है, यूनिट होता है किसका, पावर का। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपन टाइम। तो वर्क की जगह एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, और वर्क की जगह एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, और एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे तो एम जी एच, क्लियर है? आया सब समझ में, कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ये एक तरह से एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये लार्जर क्वांटिटी में जहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन होता है वहाँ पे इस एनर्जी का हम लोग यूज़
करते हैं। जैसे आप लोग मान के चले घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आता है मिलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको तो पे की बिल जो पे करना होता है वो एक मंथ के बाद पे करना होता है। तो एक मंथ में आप जो एनर्जी कंज्यूम करोगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो उसको हम लोग जूल में नहीं मेजर करके उसके लिए एक अलग से हम लोग यूनिट बना के रखे हुए हैं, उस यूनिट को बोलते हैं किलोवाट आवर। और ये किसका यूनिट होता है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। आगे होगा समझ में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है। तो एक तरह से एनर्जी है लेकिन कैसा, बड़े क्वांटिटीज़ में। कैसा, बड़े क्वांटिटीज़ में अगर एनर्जी को मेजर करते हैं तो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं वहाँ पे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और क्या होता है उसका यूनिट, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर KWH से हम लोग दिखाते हैं, क्लियर है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, कंपनीज, इन सारे जगह पे हम लोग इनका उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर होता है, क्लियर है। तो किलो वाट यानी कि, किलो यानी क्या होता है, 1000, तो 1 किलोवाट यानी क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट। और आवर यानी कि कितना, 3600 सेकेंड। आवर को अगर हम लोग पहले मिनट में बदले तो 60, और फिर मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। अब वाट को अभी हमने निकाला, वाट क्या होता था, जूल पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36, दो जीरो यहाँ पे और तीन यहाँ पे, तो 3250 और जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 36 और 50, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 lakh, 10 lakh, 36 lakh जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो बेसिकली क्या है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन कैसे मात्रा में, बड़े मात्रा में। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कैसे, 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये वैल्यू हम लोग जरूर याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, क्लियर है। आया समझ में, ये है क्या, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, क्लियर है, आया समझ में। तो जब भी आपको ऐसा यूनिट कंजम्पशन निकालना होगा, जैसे आपको पूछा जाएगा कि आपके घर में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, तो यूनिट अगर निकालने बोला जा रहा है, यानी किसका बात किया जा रहा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, किलोवाट। तो किलोवाट क्या है, किलोवाट पावर है, आवर क्या है, टाइम। वाट क्या है, पावर, और टाइम, आवर क्या है, टाइम, है ना। तो जब भी आपसे यूनिट पूछा जाएगा, जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा, यूनिट, तो आपको क्या करना होगा, पावर इंटू टाइम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पावर इंटू टाइम। ध्यान क्या रखना है, पावर को किस में लेके चलना है, किलोवाट में, और टाइम को किस में लेके चलना है, आवर में, क्लियर है, कोई दिक्कत, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पावर कंजम्पशन कितना है और वो कितने देर के लिए वो चल रहा है, क्लियर है। तो पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोवाट क्या है, पावर है, आवर क्या है, टाइम, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट आपका आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, पावर किस में, किलोवाट में, और टाइम को किस में लेके चलना है, आवर में। टाइम को सेकंड में नहीं लेके चलना है, किस में लेके चलना है, आवर में, और पावर को लेके चलना है किलोवाट में, इस बात का बस ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आया समझ में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन गर्ल ए एंड अदर बी। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड, गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। वाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाई ईच गर्ल। यानी दो गर्ल का बात हो रहा है, गर्ल ए और गर्ल बी, दोनों गर्ल का कितना पावर कंज्यूम होगा ये हमें निकालना है। गर्ल ए के बारे में बात करें तो वेट दे रखा है 400 न्यूटन, यानी फोर्स दे रखा है कितना, 400 न्यूटन, या ये भी लिख सकते हैं कि एम जी आपको दे रखा है कितना, 400 न्यूटन। वेट क्या होता है, एम जी। और एच दे रखा है 8 मीटर। टाइम दे रखा है उसके द्वारा 20 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपन
टाइम मैंने बताया कि अगर हाइट की बात करेगा या चढ़ने की बात करेगा, ग्रेविटी वर्टिकल पोजीशन में मूवमेंट होगा तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ वर्क डन जो किस हो रहा होगा वो किस फॉर्म में हो रहा होगा, mgh के फॉर्म में अपन टी। तो mg आपको कितना दे रखा है 400 और h कितना दे रखा है 8 और टाइम कितना दे रखा है 20। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जीरो से जीरो चला गया, 2 4 8, 4 4 16, 160 क्या हो जाएगा वाट इसका आंसर, यानी पहले के द्वारा जो पावर एक्सपेंडेड हुआ वो कितना हुआ 160 वाट। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत? ऐसे ही गल बी का करें तो गल बी का भी एमजी कितना दे रखा है 400 न्यूटन, हाइट कितना दे रखा है इसका भी 8 मीटर और इसका टाइम कितना दे रखा है 50 सेकेंड। फिर से पावर निकालना है तो फिर हाइट की बात कर रहा है तो पावर इक्वल टू क्या होगा वर्क अपन टाइम, लेकिन वर्क किस में होगा mgh में अपन टाइम, m कितना mg कितना है 400, h कितना है 8 और टाइम कितना है आपका 50। फिर से जीरो चला जाएगा, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64 वाट। क्लियर है, यानी कि गर्ल ए ने कितना पावर एक्सपेंड किया 160 और गर्ल बी कितना 64। आया समझ में, कोई दिक्कत? हमें क्या पूछा, पावर, पावर वर्क अपन टाइम। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वर्क हमारा हाइट के वजह से हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, अगर मोशन की वजह से हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, और सिंपल जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दे तो एफ टू टेस्ट लगा देंगे वहां पे। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, वो 6 घंटे के लिए चल रहा है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे बाय द बल्ब। यानी हमें यहाँ पे निकालना है एनर्जी, कौन सा एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर, यानी कि पावर इनटू टाइम। पावर और टाइम हमें दे रखा है, बट हमने बोला था कि जो पावर हमें लेके चलना है वो किस में लेके चलना है, किलोवाट में। तो जो पावर हमें दे रखा है कितना 60 वाट, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज करेंगे। तो किलोवाट में क्या हो जाएगा 0.06, या 60/1000 अगर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0.06 किलोवाट। और टाइम को किस में लेके चलना है, आवर में, तो आवर में दे ही रखा है 6 आवर। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, तो यूनिट निकालना होगा तो पावर इनटू टाइम, पावर कितना 0.06 और टाइम कितना 6, तो आ जाएगा 0.36 यूनिट। तो वो बल्ब जो कंज्यूम कर रहा होगा एक दिन में वो कितना कर रहा होगा 0.36 यूनिट। अगर एक महीने की बात होती तो मैं इसको 30 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता, करता है नहीं करता, वो एक दिन का है ना, क्योंकि वो एक दिन में कितने घंटे चल रहा है 6 आवर्स, और पूछा भी कितने दिन का है वन डे का। अगर 30 डेज का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिट कितने दिन का है, यूनिट फॉर वन डे है, और अगर 30 डे पूछता तो 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया, यूनिट निकालना होगा तो हमें क्या करना है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान क्या रखना है, पावर को लेके चलना है किलोवाट में और टाइम को आवर में। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम आवर में था तो आवर में ही रहने दिए, लेकिन पावर जो था वो वाट में था तो उसको किलोवाट में चेंज किए। क्लियर है, कोई दिक्कत आया समझ में? और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। क्लियर है, तो हम लोग का चैप्टर आज फिनिश हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।